सुन लो और याद रखना, बड़ा पहले कहा था, किसी को इज्जत देता ही वो है जिसके अपने पास होती है, और जिसके अपने पास नहीं होती वो कैसे किसी को इज्जत देगा। इज्जतें देनी शुरू करो, मोहब्बतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आप प्यार करना शुरू कर दो, आप देखो प्यार को फरोग होना शुरू हो जाए। हमने इज्जतें छोड़ दी। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना फारूक आजम, लोग कांप रहे हैं नाम से, उम्र तकिए पे टेक लगाए बैठे हैं, तो एक सादे से सहाबी दरवेश, सादा जिंदगी, पर हुजूर की बारगाह में बड़ा मकाम है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन से मिलने आए, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह कहें उमर से मिलना, तो कहा जाओ दौड़ जाओ टाइम कोई नहीं। हजरत सैयदना सलमान फारसी आए तो उमर पहले उठ के खड़े हुए, फिर वो अपना तकिया निकाल के तो हजरत सैयदना सलमान फारसी को पेश किया। हजरत सलमान ने तकिया देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सच कहा था मेरे रसूल करीम, सच कहा था मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच कहा मेरे नबी पाक ने। बच तो गया, बार बार ये जुमला दोहराते। हजरत उमर कहने लगे सलमान कुछ बता ना, क्या कहा नबी पाक ने? तो फरमाने लगे उमर मैंने हदीस सुनी थी, पर ये कब मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में मैं उसका अमली मुजाहरा भी देखूंगा। फरमाया बोल भी दे सलमान फारसी, क्या फरमाना चाहते हैं? हजरत सलमान फारसी अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने अपने कानों से सुना, मैंने खुद हुजूर की जुबान ने फैज़े तर्जुमान से अपने कानों से सुना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी के पास उसका भाई मिलने जाए और वो इज्जत के साथ उसे अपना तकिया दे दे तो अल्लाह इज्जत देने वाले की बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देगा, मगफिरत हो जाएगी निरा तकिया देने पे, इज्जत देने पे, इज्जत के साथ तकिया देने पे, आने वाले मुसलमान भाई की कदर करने पे। लोगों की कदर शुरू कर दें, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, कूच नसीर असां जदों कीती पै जानी थरथली हो। लोग कदर नहीं करते, लेकिन जब कदर करें किसी की कदर करें तो फिर इससे सामने वाला ठंडक महसूस करता।